Adak, içimizde bir hain yokmuşçasına son bir yemek yiyeceğiz. Altının kıymeti ne ola? Yok, neyse. Bugün öleceğiz size mi? Evlenebiliriz ama bir şartla. Anam Müslüman olmanı ister. Benden böyle bir şey bekleme. Candar Bey'in şehadeti ardından ben Osman Bey'in ardında olacağım. Dişe diş, kana kan. Nerede ayım Yakup? तो अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने ये ट्रेलर भी एंजॉय किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने देखा कि ट्रेलर की एंड में जानदार बे के बेटे सुलेमान ने ये कहा कि मेरे वालिद साहब जो कि शहादत का ख्वाहिशमंद थे, यानी मतलब शहादत का ख्वाहिश रखते थे, और उसने वो शहादत हासिल कर लिया और आज के बाद मैं उस्मान साहब का साथ दूंगा। क्या ये एक खेल है या फिर सच में जानदार बेग के बेटे सुलेमान ने उस्मान के साथ उस्मान का साथ देने का कहा जाए। तो इसी वजह से याकूब बे बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं इस ट्रेनर में। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो उस्मान साहब और याकूब बे के दरमियान बहुत से झड़पें आए हैं, जिसमें उस्मान साहब फातह रहे तारीख में भी, और उस्मान साहब का सबसे पहले साथ देने वाला तारीख में भी जानदार बे का कबीला था, जो कि अभी इसी ट्रेलर में दिखाया गया है। और इसी तरह अगर हम उस्मान साहब की सिपाहियों पर नज़र डालें तो तुरहान अल्फ नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों को लगता नहीं है कि वो किधर गया? वो तुरहान अल्फ जिसने नायमान के सिपाही को फोड़ा था, वो तुरहान अल्फ नज़र ही नहीं आ रहा यार। वो किधर गया? लगता है उसने एक्टिंग करना छोड़ दिया या फिर कहीं और चला गया, वो अचानक से गायब हो गया। तो या उसने अगर सीरीज़ में देखा जाए तो उसने एक्टिंग छोड़ दी है सीरीज़ में। क्या वो या फिर वो उरहान में आएगा या फिर नहीं आएगा, पता नहीं चलता उसका, क्यों इसका वजह भी सामने नहीं आई अभी तक। तो अभी आते हैं ट्रेलर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, हुलफेरा और उरहान की जोड़ी की तरफ। जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि उरहान ने हुलफेरा से कहा कि अना मान चुकी है, अब आपसे मैं एक शर्त पे शादी करूंगा कि आप मुसलमान हो जाओ। तो हुलफेरा ने इसे इनकार कर दिया। और किस नंबर 140 में भी मलहून खातून ने जो कि हुलफेरा से कहा कि आप अपनी घर वापस चले जाओ। तो इस ड्रामे में भी हुलफेरा इस तरह गायब हो जाएगी, क्योंकि आने वाले एपिसोड में वो इस तरह दिखाएगी कि वो अपने घर चली गई है। इस अदाकारा ने एक और मूवी साइन की है और वो मूवी अभी अभी रिलीज़ हो जाएगी, तो उसमें उसने एक्टिंग करना है, तो ये भी इसी तरह गायब हो जाएगी। और तारीख में भी ये लिखा गया है कि हुलफेरा के वालिद उसको एक किरदार को दे रही थी, उसके साथ शादी करवा रही थी उसका हुलफेरा का। और हुलफेरा रुहान को एक ख़त भेजता है, तो रुहान उस्मान साहब के कहने पर उस कला को पता कर लेता है और फिर बाद में हुलफेरा के साथ शादी कर लेता है। तो ड्रामे में भी कुछ इस तरह का होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो इसी तरह इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी दे, और यार एक खुशी के लिए एक कमेंट भी कर लिया करें यार। और इसी तरह इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अल्लाह हाफिज़।